नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि इस समय पूरी तरीके से पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है, और पोल पट्टी इसलिए खुल रही है क्योंकि दामिनी ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, तुलसी का मर्डर उसी ने ही किया था और कहाँ पर खोद के दावा था, क्योंकि दोस्तों वो पूरी तरीके से इस समय राधा ने बोल दिया था। और आप लोग जानते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ सुना है खुद दामिनी के मुंह से इस समय मोहन ने, और मोहन उसके बाद में इतना ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आ रहा है, गुस्से में, कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आने वाली कहानी एक नया मोड़ लेकर आने वाली है आप लोगों के बीच में, जब आप लोग देख पाएंगे कि दामिनी और उसकी मॉम यानी कावेरी को होगी सीधा सीधा जेल की सज़ा। और जेल की सज़ा भी आप लोग जानते हैं कि क्यों होने जा रही है, क्योंकि इनके कर्म ही कुछ इस तरीके के हैं। जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से ट्विस्ट मिलेगा कहानी में, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से जाते जाते दामिनी एक बार फिर से अटैक करती हुई नज़र आने वाली है, वो भी राधा के ऊपर। राधा से बोलती हुई नज़र आएगी कि जैसे मैंने तुलसी को मौत के घाट उतारा था, वैसे ही मैं तुझे भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दूंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शक तो पहले से ही था राधा को दामिनी के ऊपर, क्योंकि उसने बोल दिया था कि दामिनी ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, और तुलसी के मर्डर में क्या शामिल है, कैसे शामिल है, वो खुलना बाकी था। लेकिन दोस्तों आज वो भी खुलता हुआ नज़र आने वाला है आप लोगों के बीच में, कि जब दामिनी खुद इस चीज़ को बोलती हुई नज़र आने वाली है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं भी हार नहीं माननी, हाँ मैंने खून किया है, जिस पे जो उखड़ सकता है वो मेरा वो उखाड़ कर देख ले। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब राधा बोलेगी कि अब हम करेंगे तुम्हारा जो करना है, क्योंकि अभी तक तुमने क्राइम किया है, इस क्राइम की सजा तुम्हें मिलकर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।